वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम देखेंगे कि मेथी की भाजी को पूरे साल के लिए कैसे फ्रेश रखना है। कई लोग मेथी को सुखा के स्टोर करते हैं, मतलब कि कसूरी मेथी बना के, लेकिन उससे हम सारी रेसिपी नहीं बना सकते। तो आज जो मैं मेथड आपको सिखाने वाली हूं, उससे मेथी की भाजी एकदम फ्रेश रहती है। तो बिना सीजन के भी आपको मेथी के पकौड़े, मेथी का थेपला, मुठिया, जो भी खाना हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे स्टोर करना है वो देख लेते हैं। मेथी की भाजी को स्टोर करने के लिए जो बड़े पत्तों वाली मेथी की भाजी आती है वो मैंने ली है। इसे हम साफ कर लेंगे। जो छोटे पत्ते वाली मेथी होती है उसमें थोड़ी कड़वाहट ज़्यादा होती है इस मेथी के कंपेयर में, तो हमें इस तरह से मेथी को साफ कर लेना है। फिर 2 से 3 बार हम इसे साफ पानी से धो लेंगे। मेथी में मिट्टी बहुत लगी हुई होती है तो उसे 2 से 3 बार साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए उसके बाद हम इसे छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और आधा घंटा इसे स्ट्रेनर में रहने देंगे। अब देख सकते हैं मेथी को वॉश करने के बाद कितनी मिट्टी निकलती है, तो इसे प्रॉपर साफ करें। आधे घंटे के बाद हम मेथी को कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे। इस तरह से अलग अलग करने के बाद इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। फैन चालू करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये ड्राई हो जाएगी। उसके बाद हम इसे चॉप कर लेंगे। आप छोटे बड़े जैसे भी पत्ते आप चॉप करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद हमें इसे जिप पाउच में भरना है, तो छोटा बड़ा जो भी जिप पाउच आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, ये आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। मेथी की भाजी को जिप पाउच में भरने के बाद हम पाउच को पैक कर देंगे। इस तरह से जितनी भी भाजी आपको स्टोर करनी है आप इस तरह से पहले रेडी कर ले। फिर हम इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे। फ्रिज में नहीं रखना, जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं वहाँ पे रखना है। तो अगर आपके पास डबल डोर का फ्रिज है तो आप ऊपर के कंपार्टमेंट में उसे रखें, और जैसे मेथी इस्तेमाल करनी हो उसके बाद भी आपको वापस फ्रीजर में ही रखना है। ये जो पाउच है ये लास्ट ईयर मैंने मेथी स्टोर की थी वो पाउच है। तो इस तरह से आप मेथी को जिप पाउच में भर के फ्रीजर में स्टोर करके 1 से 2 साल तक स्टोर कर सकते हो। जब भी आप मेथी को चॉप करके जिप पाउच में भरे तब उसमें बिल्कुल भी पानी का हिस्सा ना हो, मतलब कि मॉइस्चर ना हो, उस बात का खास ध्यान रखें। नहीं तो अगर पानी का हिस्सा उसमें होगा तो मेथी बहुत ही जल्दी से चिपचिपी हो जाती है और वो लंबे समय तक अच्छी नहीं रहती। तो इस तरह से आप मेथी को स्टोर करें। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप मेथी को जिप